Hi, welcome to this another episode on NewsClick, and this is a series that we're running on the Master Plan of Delhi 2041. और जैसा हमारे बहुत सारे दर्शकों ने पहले भी देखा है कि हम लोग बात कर रहे हैं जो कि 2041 का दिल्ली का मास्टर प्लान किसको एड्रेस कर रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण है 20 साल में दिल्ली की शेप क्या होगी, किस तरह से दिल्ली आगे जाएगी। और हमने 1961 से लेकर 2021 का सफ़रनामा भी देखा और ख़ासकर अब 2041 पे भी कुछ लोगों की टिप्पणी देखी। आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे शलाका से और अरविंद से, जो कि दोनों ही शहरी क्षेत्र में काम करते हैं। अरविंद अर्बन प्लानर हैं और शहरी गरीबों में काम करते हैं, और ये जुड़े हैं मैं भी दिल्ली कैंपेन के साथ और साथ में नेशनल कोलिशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन NCI। बहुत स्वागत है अरविंद आपका भी। और शलाका हैं, वो भी शहरी क्षेत्र में काम करते हैं, ऑफ कोर्स शहरी गरीब के अंदर, और पेशे से सोशल डिज़ाइनर है। मतलब मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा शलाका सोशल डिज़ाइनर क्या होता है, वो भी आप थोड़ा रखें। अच्छा है, क्योंकि हम लोग अब सेक्टोरल बात कर रहे हैं और 2041 के मास्टर प्लान में, क्योंकि अरविंद पिछली बार ये हुआ कि हमें ये बताया गया कि पहले दरअसल जब हम रिव्यू करते थे अपने मास्टर प्लान और नया बनाते थे तो हम कहते थे देखिए भाई ये हमने तय किया, ये हुआ ये नहीं हुआ, तो एक पहलू ये था। दूसरा पहलू हमने ये समझा कि पहले बहुत ही नेहरूवियन मॉडल था कि ये करना है, इसे घर बनाने तो बनाने हैं। लेकिन 1990 जो 1980 के बाद, खासकर जो 2001 के बाद मास्टर प्लान आया, तो जिसको वो न्यू लिबरल कैपिटलिज्म बोलते हैं, मतलब उस आधार पर जो बिल्ड करना है शहर, उन्होंने बोला अभी हमारा काम नहीं है बनाने का अब ये, मतलब। और फिर वो लैंड मिक्स लैंड यूज़ की भी बात आ गई, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग दरअसल ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसमें इसी दौरान हम देखते हैं कि बहुत बड़ी एक इनफॉर्मेलिटी भी शहर में घुस गई है, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर इतना बड़ा हो गया है। मेहनत करने वाले लोग जो हैं, मेहनत करने वालों की कोई जो स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स भी हैं, मतलब जो लीगल है, वो भी सब ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म ही हैं एक तरह से। और हमने उसका सबसे बड़ा नमूना देखा पिछले साल जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, 24 घंटे भी लोग टिके नहीं और वापस गए। तो आपका बहुत स्वागत है दोनों का, और आज हम इसी दिशा में बात करेंगे कि 2041 में क्या है और क्या होना चाहिए था और क्या नहीं है। तो आई थिंक अरविंद, मैं आपसे शुरू पहले करना चाहूँगा कि आप इसको कैसे देखते हैं 2041 के मास्टर प्लान को, और क्योंकि आप कैंपेन भी कर रहे हैं मैं भी दिल्ली के साथ मोहल्लों में जाकर, आपको कैसे कैसे समझते हैं आप इसको? देखिए टिकेंद्र जी, जो पूरे प्लान को लेके हमारा नजरिया वो ये है कि कोई भी प्लानिंग जब बनती है तो इसमें प्लान अच्छा है बुरा ये कहने के लिए उसमें आखिरी जो व्यक्ति है हमारे समाज में या हमारे सोसाइटी में, उस आखिरी व्यक्ति के लिए उस प्लान में क्या जगह है नहीं है, एक प्लान का टचस्टोन वो होता है। और खासकर अभी कोविड के दौरान पूरे हमने शहर में देखा कि प्लानिंग का शहर के, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स का जो मार्च हमारे शहरों से बाहर था, और अभी हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज का ना होना जो हमारे शहर में निकल के आया कोविड वेव 2 के दौरान, वो दिखाता है कि प्लानिंग का जो कनेक्ट है हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ा है। तो जो एक मुद्दा एक सामने निकल के ये भी आया कि जो आखिरी व्यक्ति है उसके लिए उस प्लान में जगह है कि नहीं है, उसको समावेश किया है कि नहीं किया। और कोविड के अंदर एक और प्रचलन में हमारे नए नए टर्म्स जो आ रहे हैं उसमें एक और ये टर्म की एवरीवन और नो वन, तो समाज में अगर हम इंक्लूजन को जगह नहीं देंगे या मास्टर प्लान में, दिल्ली के मास्टर प्लान में हम उस आखिरी व्यक्ति या जो हाशिए पे जो व्यक्ति है उसको जगह नहीं देंगे, तो मेरे को लगता है कि दिल्ली का जो एक भविष्य होगा जो बहुत ही अच्छा होना चाहिए और दिल्ली एक विकास का मॉडल बने, 41 का प्लान भी वही कहता है, वो शायद हम नहीं कर पाएंगे। और हमारी एक एक एनालिसिस जो हमने कम्युनिटीज के साथ बात करके की, और जो भी हमारा पिछले तीन साल चार साल का काम रहा है मैं भी दिल्ली अभियान के थ्रू, वो ये दिखाता है दर्शाता है कि चाहे वो बस्ती में रहने वाले बस्ती या स्लम्स जिसको बोलते हैं या इनफॉर्मल सेटलमेंट्स जिसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं, लगभग जो 20-25 लाख आबादी है 2011 के सेंसस के हिसाब से, अभी तो ज्यादा ही होगी, उसका इस प्लान में कुछ खास स्पेस या जगह या उनके लिए क्या मिलेगा उसमें कुछ क्लैरिटी शायद नहीं दिख रही है। दूसरा कि जो भी असंगठित क्षेत्र में कामगार हैं, 20 लाख से लेकर 40-50 लाख का उसका एस्टिमेट दिया जाता है, जिन क्षेत्रों में हम काम करते हैं चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो,
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो, वेस्ट पिकर्स हो, जिनका योगदान बहुत है, इसका इन इन इस प्लान में कोई कितना नंबर, हमने कितना नंबर बोला आपने अरविंद? दिल्ली में अगर हम बोले अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर जो है, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स जो है वो मिनिमम 70% है टोटल वर्कफोर्स का, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो लगभग 20 से 30 लाख पॉपुलेशन है। पर हमारा कहना ये कि अगर आप इतने बड़े तबके का इसमें कुछ खास नहीं करेंगे, इनके विकास के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो हमको ये लगता है कि 2041 में जो हमारा दिल्ली होगा वो अभी से कुछ ज्यादा डेवलप नहीं होगा। और कहने को हम कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड क्लास शहर हम चाहते हैं अपना शहर, पर जब तक बहुत बड़ा एक तबका इससे बाहर होगा तो उनका, मेरे को लगता है कि दिल्ली का जो विकास विकास आराखड़ा या विकास प्लान बोलते हैं वो सफल नहीं हो पाए। शलाका, आई थिंक अभी हम अगर थोड़ा कॉन्क्रीटली इसको देखें, क्योंकि बहुत ही मतलब अरविंद ने पूरा फ्रेमवर्क तो दिया, लेकिन कॉन्क्रीटली 2041 में ऐसा क्या है जो कि नहीं होना चाहिए था, मतलब और क्या होना चाहिए था जो कि हम वहाँ मिसिंग है, अगर हम इन्हीं सेक्शंस की बात करें? और आप अगर अपने पेशे से, जो आप सोशल डिज़ाइनर हैं, उस हिसाब से भी आप इसको जोड़ के देखना चाहेंगे तो कैसे आप समझते हैं? थैंक यू टिकेंद्र अपने बात रखने के लिए। अगर मैं इसमें हमारे जो मैं भी दिल्ली कैंपेन है इसमें अगर मैं बात करूं, तो हमने एक ऐसे कम्युनिटी के साथ काम किया है जिनको मास्टर प्लान में बिल्कुल जगह नहीं मिली है, बिल्कुल भी उनके बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया गया है, बहुत थोड़ा सा लिखा गया है इतने इतने इम्पोर्टेंट सेक्टर के बारे में, वो है होमलेस का सेक्टर। तो अगर हम होमलेसनेस की बात करें तो बहुत सारी फिगर्स है हमारे पास, सेंसस कुछ बोलता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है, हमारी जो एनजीओज हैं वो कुछ बोलती हैं, पर ये आंकड़े भी बहुत कम है। अगर आप एनजीओ की बात देखें तो कुछ हम लोग बोलते हैं 1.5 लाख होमलेस है, पर जो शेल्टर मैनेजमेंट एजेंसीज हैं और जो एनजीओज हैं वो बोलती हैं कि नहीं 2 लाख हैं। तो पर जो मास्टर प्लान का बेसलाइन स्टडी भी निकल के आया है वो इन आंकड़ों के बारे में बात नहीं करता है। हम बोलते हैं कि वेस्ट पिकर्स हैं, वेस्ट पिकर्स के बारे में हम बोलते हैं कि 2 लाख वेस्ट पिकर्स हैं, बेसलाइन स्टडी आंकड़ों के बारे में बात नहीं करता है। हम बोलते हैं कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं हमारे शहर में वो 4 लाख है, 5 लाख है, बात नहीं करता है। होम बेस वर्कर्स 4 लाख है, बात नहीं करता है। अरविंद ने बात रखी वेंडर्स के बारे में, स्लम्स बस्तियों में कितने लोग रहते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में जब आंकड़े ही नहीं है हमारे पास, अगर हमको देखना है कि मेरे शहर में हम रैन बसेरा जो बोलते हैं इसको, कितने शेल्टर्स हैं हमारे शहर में, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है, कहाँ कहाँ पे ये शेल्टर्स हैं, कौन सी लोकेशंस पे हैं। तो जब तक मास्टर प्लान में हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम सिर्फ दो चीजों के बारे में बात करते रह जाएंगे तो मास्टर प्लान कभी इंक्लूसिव नहीं बनेगा, कभी समावेशी नहीं बनेगा। मास्टर प्लान में बहुत जरूरी है ये बात करना कि कैसे जो इंटरसेक्शनल जो लेंस यूज कर सकते हैं, जो कि सोशल डिजाइन जो आपने पूछा उसमें भी जो सबसे बड़ी हमारी जो लर्निंग है वो यही है कि कोई भी आप डिजाइन कर लीजिए, आप चाहे फर्नीचर डिजाइन कर लीजिए या फिर आप चाहे शहर डिजाइन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आप इंक्लूसिव लेंस से उसको नहीं देख रहे हैं, अगर आप लोगों की भागीदारी उस पर सुनिश्चित नहीं कर रहे तो वो डिजाइन एकदम फेल है। मास्टर प्लान की अगर बात करें यहाँ पे तो आंकड़ों की कमी है, मैपिंग की कमी है बहुत ज्यादा, आपने नहीं देखा कि बस्तियों की मैपिंग कैसे हो रही है मास्टर प्लान में, सिर्फ बात करी जा रही है रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, बस्तियों के बारे में बात नहीं की गई, शेल्टर्स के बारे में बात नहीं करी गई, जो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स है जो भी अरविंद भी बात कर रहे थे उसमें क्या औरतों के बारे में बात की गई, नहीं की गई, क्या हमारे शहर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात की गई, नहीं की गई। तो इंक्लूसिविटी जो की जो हम बात करते हैं, जो बहुत एक हमारा बज वर्ड भी चलता है, पर उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मास्टर प्लान के पास बहुत कम है ऑफर करने के लिए, बहुत ज्यादा कम। और पार्टिसिपेशन की अगर बात की जाए तो बहुत कम अटेम्प्ट्स हुए हैं मास्टर प्लान में पार्टिसिपेशन की जब बात करते हैं, तो जब सुझाव और आपत्ति के लिए अभी मास्टर प्लान बाहर आया 9 जून को, उसके बाद ही आप देख लीजिए डीडीए ने सिर्फ 4 वेबिनार्स किए हैं जिसमें से सिर्फ 200 लोग, जो कि शायद मानती हूँ कि एनजीओ सेक्टर या फिर प्लानर्स या मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोग ही जुड़ पाए होंगे, सिर्फ 200 लोग जुड़े हैं उन वेबिनार में। दिल्ली की जनसंख्या है 2 करोड़ और 200 लोग अगर जुड़ रहे हैं तो ये बहुत ही बहुत निराशजनक बात है। तो हाँ, पार्टिसिपेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसमें। आप वेबिनार्स कर रहे हो, ऑनलाइन वेबिनार्स कर रहे हो, डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ा सच्चाई है हमारे हमारे देश में, हमारे शहरों में, तो उसको एड्रेस नहीं किया गया। जागरूकता की जहां तक बात की जाती है
उसको एड्रेस नहीं किया गया, लोगों के साथ मीटिंग्स करने की, लोकल एरिया प्लान की, जहाँ पे हम मास्टर प्लान बोलते हैं बहुत शहर का बड़ा पिक्चर आपने दिया, हम बात करते हैं बस्तियों में क्या है, जब आप बस्तियों के लोगों से बात करेंगे उनको आपको 100 चीज बता देंगे, तो उनका कहाँ पे लोकल एरिया प्लान्स कहाँ पे हैं, बस्तियों की मैपिंग्स कहाँ पे हैं, तो ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इसमें। आपने स्ट्रीट वेंडर्स की बात कही और स्ट्रीट वेंडर्स की मालूम है कि पिछले समय में कुछ एक्ट आया था और रिहैबिलिटेशन को लेकर, इनफैक्ट स्ट्रीट वेंडिंग कमिटीज बनना और फिर रिहैबिलिटेट करना, उसका आप इसमें कोई रिफ्लेक्शन देखते हैं 2041 के मास्टर प्लान में? और एक बात जो बार बार कही जा रही है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क की बात कर रहा है मास्टर प्लान, ये एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है, मतलब ये पकड़ो एक डॉक्यूमेंट है, अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करो। और दूसरा अगर आप बोलना चाहें, आप भी तो मैं शलाका से भी पूछना चाहूँगा साहब, तो वो है जो ये पूरा TOD फोकस है, पूरा मोबिलिटी को लेकर और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए बात हो रही है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और खासकर इंक्लूसिविटी का क्या रिश्ता देखते हो? क्योंकि बहुत सारी जगह पर हम लोग देखते हैं जो TOD है वो अर्बन कॉमन्स को ले रहा है, और जो अर्बन कॉमन्स हैं मतलब जो सामूहिक स्पेसेस हैं अगर वो उसमें कम हो रही हैं तो वो भी काफ़ी एक्सक्लूजनरी प्रोसेस को एक सेट कर रहा है, तो ये दोनों एस्पेक्ट पे आप कैसे देख रहे हो? मेरा इस पे पॉइंट ये होगा टिकेंद्र जी, एक एक्चुअली स्ट्रीट वेंडर्स जो कैटेगरी है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि कैसे प्लान बहुत सारे इनफॉर्मल वर्कर्स और ग्रुप्स को बाहर रख रहे हैं। कि एक स्ट्रीट वेंडर एक्ट है जो एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है, कानून है जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और मास्टर प्लान एक बहुत बड़ा एक स्कोप है, स्पेस है जिसपे वो इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। पर आप देखेंगे पूरे डॉक्यूमेंट में हम तो हैरान हो गए कि इतने बड़े लेजिस्लेशन के बारे में मेंशन तक ना करना, उसके बारे में जिक्र तक ना करना, हमको लगा कि एक बहुत बड़ा लैप्स है DDA के द्वारा ये जो ड्राफ्ट मास्टर प्लान ने बना हुआ है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट बहुत साफ है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में ये है कि उसके गवर्नेंस में ये है कि एक्ट सेंट्रल लेवल पे बनता है, स्टेट लेवल पे रूल्स और स्कीम्स बनते हैं जो दिल्ली के लेवल पे बन चुके हैं। जो ये डिसीशंस होंगे कि स्ट्रीट वेंडर कहाँ बैठेंगे, रेगुलेट कैसे किया जाएगा, वो सब वो टाउन वेंडिंग कमिटी तय करती है जो दिल्ली में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड है। तो मास्टर प्लान की जरूरत ये है कि कैसे स्ट्रीट वेंडर्स को एकोमोडेट किया जाए टाउन वेंडिंग कमिटी के डिसीशन के बेसिस के ऊपर। पर अभी ये वाला जो मास्टर प्लान कह रहा है वो ये है कि मास्टर प्लान के पास डिसीजन पावर्स होंगे कि कौन सा जोन वेंडिंग होगा या नहीं होगा। तो क्या होगा कि टाउन वेंडिंग कमिटी आगे फ्यूचर में कोई भी डिसीजन लेगा वो मास्टर प्लान के साथ इन कॉन्ट्रडिक्शन जाएगा, और जिस हालत में हमारे अभी गवर्नेंस है तो स्ट्रीट वेंडर्स की जो राइट है लाइवलीहुड की वो किसी भी तरीके से नकारी जा सकती है, क्योंकि वो मास्टर प्लान के नॉर्म्स और लैंड यूज के खिलाफ हो सकता है। तो मेरे को लग रहा है बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, और ऐसी ही कॉन्ट्रडिक्शन आपको दूसरे सेक्टर्स में भी दिखेंगे जहां पे एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस हैं, एग्जिस्टिंग एक्ट्स हैं, गाइडलाइंस हैं, पर उनको मास्टर प्लान में स्पेशल कैटेगरीज के रूप में या स्टैंडर्ड्स के रूप में आपने कन्वर्ट नहीं किया। बहुत अच्छे उदाहरण है NULM SUH जो होमलेस का है, एक अच्छा उदाहरण जो बस्तियों का हम बार बार ले रहे हैं कि PMAY में बिल्डर लेड कंपोनेंट एक कंपोनेंट है जिसमें इंस्टीट्यूट अपग्रेडेशन की जगह या इंस्टीट्यूट रीडेवलपमेंट की जगह बिल्डर खुद उसका डेवलपमेंट करते हैं। घूम रही है ना आसपास कठपुतली कॉलोनी, बहुत ही एक बढ़िया आपको उदाहरण है वो है ISSR जो मॉडल है कि 60% में बस्ती को एक वर्टिकल रूप में लाया जाएगा जो वर्टिकल स्लम से कम नहीं है, बाकी जो 40% है वो बिल्डर अपने डेवलपमेंट पे ले जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक फिगर है मास्टर प्लान में जो हमने कोट भी किया है वो ये है कि दिल्ली सेंसस 2011 के हिसाब से कि दिल्ली में लगभग 20 लाख लोग 10.8% of Delhi's population resides in only 0.05% of land. तो 0.05% land पे बस्तियां बसी हुई हैं और हमारे पास उनके लिए पूरे प्लान में सिर्फ एक मॉडल है, वो है कठपुतली का इन सिटू रीडेवलपमेंट मॉडल। अब मैंने एक नक्शा आपके सामने रखा है, उसको अगर आप देखेंगे, एक बलजीत नगर बोल की कम्युनिटी जहां पे हमारा बहुत पुराना काम है, वहां पे एविक्शन भी हुए हैं मास्टर प्लान के बेसिस पे। अब कम्युनिटी ये है 40 साल पुरानी, है ना? अब 40 साल पुरानी कम्युनिटी के ऊपर आपने ओपन स्पेस रिजर्वेशन, कटते हुए रोड दिखा दिए, आपने पब्लिक कम्युनिटीज दिखा दी, क्यों दिखाए? आपको पता नहीं था कि वहां पे इतनी पुरानी बस्ती बैठी हुई है। तो हमारा पहला डिमांड ये है कि 0.05% पे जो बस्तियां बैठी हुई है इसको आप और कम ना करें,
इसको बढ़ाने की बात करें, पहले तो इसको सुरक्षित करें, तो उसको क्लियरली प्लान में दिखाने की जरूरत है और ये बोलने की जरूरत है कि बस्तियों को तोड़ा नहीं जाएगा लैंड यूज प्लान के बेसिस पे। जो अभी अभी के ड्राफ्ट प्लान को आप देखेंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मल सेटलमेंट्स के ऊपर इन्होंने अलग अलग रिजर्वेशन डाल दिए, तो ये बहुत खतरनाक है। और जो कहते हैं ना कि लोग ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं, उनको हम और पीछे कर देंगे। आखिरी पॉइंट मेरा आपके फ्रेमवर्क के ऊपर, अब देखिए फ्रेमवर्क के हम खिलाफ नहीं, हमको लगता है कि फ्रेमवर्क होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन साफ होना चाहिए, पर जिसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फ्रेमवर्क हो, सिर्फ और सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी अगर आपके सामने रखा जाए, जो हमको अभी मास्टर प्लान का 400 पन्ने का, अगर आप 450 पन्ने का रिपोर्ट पढ़ेंगे, वो पहला जो वॉल्यूम है वो फिक्शनल स्टोरीज हैं, जो अच्छे नैरेटिव आपके सामने रखते हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव नैरेटिव है। सेकंड सेक्शन लगता है मानो किसी और इंसान ने लिखा हो, डीडीए के का इंटरवेंशन शायद वहां पे ज्यादा हुआ, और बहुत ही उन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम और फर्स्ट चैप्टर्स का पूरा पूरा कॉन्ट्रडिक्शन किया हुआ है डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्म्स में और कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा। तो लगता है कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी ने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, और इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे जीरो है कि पैसा कहाँ से आएगा, कौन कितने घर बनाएगा, पब्लिक कितना होगा, प्राइवेट कितना होगा, कुछ भी आंकड़े नहीं दिए हैं। तो अब आप मुझे पूछे कि सजेशन ऑब्जेक्शन आप किस बेसिस पे दें जब आप आंकड़े ही पेश नहीं कर रहे हैं हमारे सामने, तो एक बहुत बड़ा। लेकिन आंकड़ों में बेसलाइन स्टडी तो एक है, हालांकि उसकी रिफ्लेक्शन इसमें नहीं है, लेकिन बेसलाइन स्टडी तो एक बहुत एनेक्सेस है उसमें बहुत सारे जुड़े हुए। बेसलाइन स्टडीज भी इक्का दुक्का स्टडीज अच्छी है, लाइक हाउसिंग की स्टडी अच्छी है फॉर इंस्टेंस, पर बाकी आप इनफॉर्मल सेक्टर का देखिए, उसमें भी कुछ खास बढ़िया स्टडीज हुई हो ऐसा नहीं है, तो उसमें कुछ बहुत अच्छी स्टडीज हुई है ऐसा नहीं है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बेसलाइन स्टडीज अभी जुलाई के पहले फेज का जो सजेशन ऑब्जेक्शन था 23 जुलाई 17 16 17 18 जुलाई के आसपास इन्होंने रिलीज किया था, और बहुत सारे पब्लिक प्रेशर के साथ। तो डीडीए को सोचना चाहिए कि 24 करोड़ लगा के आप एक मास्टर प्लान पूरा बनवा रहे हैं, 4 साल का प्रोसेस है, जो आप मिनिमम कर सकते हैं वो ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स तो पब्लिक डोमेन में रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स तो समाज और दिल्ली वालों के सामने रखिए कि दिल्ली वाले पढ़ें समझें और तभी तो उस पर जवाब देंगे। पर आप आधा अधूरा डॉक्यूमेंट रखेंगे तो लोग उस पर जवाब ही नहीं दे सकते या सजेशन भी नहीं दे सकते। मुझे याद है जब हमने 1961 की बात की थी मास्टर प्लान की, तो पहले मुनादी होती थी, ढोल वाला जाता था ढोल पीट कर मोहल्लों में, और फिर ये कहता था कि फलाना फलाना मास्टर प्लान है, आप जाइए, और शायद हिंदी अंग्रेजी और उर्दू तीन लैंग्वेजेस में जाता था, तीन लैंग्वेजेस में मास्टर प्लान लोगों के पास जाता था, और जो भी चाहे वहाँ से वो कॉपी उसकी ले सकते थे। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आई मीन वो जितना भी उसकी कमियाँ रही हैं, लेकिन मतलब एक पार्टिसिपेटरी रोल के लिए तो ज़रूर प्रोवोकेशन थी, लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है कि लोग पार्टिसिपेट ही ना करें। तो शलाका मतलब अगर हम इसी को ही आगे बढ़ाएँ जो अरविंद ने बात कही, मतलब ऑफकोर्स एक तो ये पब्लिक डोमेन में बात रखना ही बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और बहुत लोग कह रहे हैं, आपने भी शायद ये पॉइंट आउट किया कि एक्चुअली कम्युनिटी बेस्ड प्लान्स होने चाहिए, और कम्युनिटी में भी मतलब वार्ड स्तर पर प्लान्स अगर बनेंगे तो वो ज़्यादा इंक्लूसिव होंगे। वो बात सही है, उसको हम मतलब उसको देख ही रहे हैं कि कैसे उसमें एलिनेशन है। लेकिन दूसरा ये जो ARHS है, मतलब जैसे आप इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, अब बहुत सारे लोग होमलेस हैं, होमलेस शेल्टर्स की बात है, लेकिन एक बड़ा सेक्शन वो है जो कि यहाँ काम करने आता है, शायद परमानेंट नहीं रहेगा, फिर वापस जाएगा, उसके बस की बात नहीं है कि वो घर रहे, तो वो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में जाता है। तो ये जो अफोर्डेबल रेंटल है या फिर लेबर हॉस्टल्स हैं, और लेबर हॉस्टल्स कुछ बहुत अच्छे मॉडल्स हैं जैसे शिमला में या फिर केरला में, जहाँ अच्छे मतलब गवर्नमेंट, तो वैसा कुछ आप क्या देख रहे हैं? और क्योंकि काफ़ी इसके लिए पुश भी हुआ 2 साल पहले 3 साल पहले अगर आपको याद होगा तो, इनफैक्ट टीम यहाँ से दिल्ली से भेजने की बात हो रही थी कि हम भेजेंगे टीम और वो टीम जाएगी केरला स्टडी करने के लिए। तो वो आप देख रहे हैं कि मॉडल इसमें कुछ है या फिर मतलब क्या होना चाहिए था ये इस सेक्शन को लेकर खासकर? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम लोगों का NIUA के साथ भी डिस्कशन चल रहा था, तो उस टाइम पे जो बहुत अच्छी बात थी कि उनके साथ एक हमारा ना, हम लोगों ने उनको फैक्ट शीट्स प्रेजेंट करी, कुछ टेक्निकल रिपोर्ट्स प्रेजेंट करी, उसमें से एक टेक्निकल रिपोर्ट हमारी थी माइग्रेंट वर्कर्स हॉस्टल को लेके, क्योंकि उसी टाइम आत्मनिर्भर पैकेज रिलीज हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम हॉस्टल्स पे बात करें। तो जब लास्ट मास्टर प्लान जब बात, क्योंकि ये 1 साल पहले हमने रिपोर्ट बनाई थी, लास्ट मास्टर प्लान ये बात करता था कि सिर्फ 20 ही हॉस्टल्स होंगे, और माइग्रेंट वर्कर्स की तो बात भी नहीं थी उसमें, वर्किंग मैन एंड वुमेन हॉस्टल की बात थी। तो हमने उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था कि नहीं देखिए, सीजनल माइग्रेंट्स होते हैं हमारे शहर में,
होमलेस होते हैं। तो आज भी अगर डोसिप से आप बात करें तो वो यही बोलते हैं कि अरे ये तो सीजनल वर्कर्स हैं, सीजनल माइग्रेंट्स हैं, चले जाते हैं, हम लोग क्यों इतने सारे शेल्टर्स बनाए। आज के टाइम पे शायद 1000 शेल्टर्स भी हमारे शहर में कम पड़ेंगे हमको, जिस तरह से हमारी आबादी है, होमलेस जनसंख्या जो है। तो उसका हम लोगों ने उनके सामने आगे रखा था कि आप कैसे सर्वे करना। मैं हमेशा जोर देती हूँ सर्वे पे, क्योंकि सर्वे बहुत जरूरी है, और खासकर इनफॉर्मल लाइवलीहुड वर्कर्स का, होमलेस का, बस्ती में जो लोग रहते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स का। आप सर्वे नहीं करोगे तो आप हॉस्टल्स और घर बनाने में बहुत आपको बहुत दिक्कत है उसमें। और आज डेटा की ही कमी है कि हमारे पास इतने कम शेल्टर्स, इतने कम, अरविंद ने जो भी डेटा रखा, इतने कम स्पेसेस हैं इन सब चीजों के लिए। तो सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये FAR की बात आती है या फिर जब बात आती है स्पेस की बात, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उनको आप रिग्रेसिव हो जाएं उसमें। जैसे कि जो लास्ट मास्टर प्लान था, जब वो आया था 2007 में, जब वो आया था उस टाइम वो बात करते हैं कि शेल्टर्स का जो एरिया पर यूनिट होगा वो 1000 होगा। 2016 में अमेंडमेंट हुआ, वो बोलता है कि जो एरिया होगा, मिनिमम प्लॉट साइज जो होगा वो होगा 100 स्क्वायर मीटर, 1000 से सीधा 100। अब जो मास्टर प्लान आया वो फिर से 100 स्क्वायर मीटर की बात करता है। 100 स्क्वायर मीटर में मतलब हम लोगों ने एक पूरा गणित किया था इस चीज का, सिर्फ 40 लोग एक शेल्टर में रह सकते हैं। 200 हमारे पास शेल्टर है, सिर्फ 8000 लोगों की कैपेसिटी है। उसमें से भी बहुत सारे शेल्टर्स ऐसे हैं जो बहुत खोपचे में जाके दूर आपने बना दिए हैं, जहाँ पे कोई ना तो आपके रोजगार का संसाधन है, ना आपके पास परिवहन की कोई सुविधा है। तो बहुत सारे खाली पड़े हैं अभी शेल्टर्स यहाँ पे। तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। हॉस्टल की जहां तक बात आती है, जैसे हम लोगों ने हॉस्टल पे काम किया अगर, तो उसमें भी हम लोगों ने यही बात रखी थी कि आप थोड़ा ज्यादा रखो। और फैसिलिटीज बहुत जरूरी है, सुविधाओं के बारे में बात करना। मास्टर प्लान ने अभी जो हॉस्टल के स्टेट गेस्ट हाउस इन सब के बारे में बात की है, बोला है कि इस पर डाइनिंग हॉल होना चाहिए, एक लाइवलीहुड सेंटर होना चाहिए, किचन होनी चाहिए। शेल्टर्स की बात आती है, शेल्टर 2018 का रिपोर्ट है, बोलता है सिर्फ 7% शेल्टर्स में किचन की सुविधा है। तो बाकी शेल्टर्स में कि किचन खाना बनता ही नहीं है, और कब से लोग डिमांड कर रहे हैं। बाथरूम्स नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, और ये बहुत ही बुनियादी सुविधाएं हैं। हम तो उतना मांग भी नहीं रहे हैं कि लाइवलीहुड सेंटर्स आप बनाओ, बुनियादी सुविधाएं आप पहले दे दो थोड़ी सी। तो ये बहुत जरूरी है, मैं बोलती हूँ कि 1000 शेल्टर्स होने चाहिए, पर पहले आप जो शेल्टर्स बने हुए हैं उनको पहले वो प्रोटेक्ट कर लीजिए। दूसरा हमारा बात है कि हॉस्टल्स बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि होमलेस के लिए सिर्फ शेल्टर्स एक आखिरी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लोगों जो लोग जो हॉस्टल्स का मेन जो केरला में भी, और जो अब शिमला की बात कर रहे थे, जो मेन तर्क था उसमें वो यही था कि होमलेस के लिए शेल्टर्स एक आखिरी ऑप्शन नहीं है। जो लोग पे कर सकते हैं, और 80% जो जनसंख्या है दिल्ली में होमलेस जनसंख्या, वो कमाते हैं, वो इनफॉर्मल लाइवलीहुड से जुड़े हुए हैं। तो क्यों ना हम उनके लिए थोड़ा सा और ऑप्शंस तैयार करें, घरों के, रेंटल हाउसिंग के, हॉस्टल्स के, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। I think, एक चीज बोल रहे हैं अरविंद, और हमने कुछ SP के स्टूडेंट्स, अब उनका फोर्थ ईयर होता है, तो मैं भी गाइड था उनका, अरविंद ने भी मदद की थी होमलेस शेल्टर पे। वी वर शॉक, 95% उस होमलेस शेल्टर में वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब जो काम करने वाले लोग थे, ओनली 5% थे जो हम बेगिंग में जाते थे, बाकी 95% लोग ये इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स थे। तो इट्स अ ह्यूज नंबर डेफिनेटली। और ये बात भी सही है कि, और केरला तो अभी है, लेकिन शिमला तो 100 साल पुराना है, आप लगाइए तब का लेबर हॉस्टल आज तक चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए हैं, लेकिन ये जो पूरा जिम्मेवारी से भागना है वो बहुत ज़्यादा साफ तो इस मास्टर प्लान में दिख रहा है। और दोनों से आपसे लास्ट सवाल, जो अरविंद, क्योंकि आप अपनी कैंपेन के बारे में थोड़ा बताएं कि आप कैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये रिक्लेम करने वाली बात है, हर चीज अब रिक्लेम करनी है, इनफैक्ट प्लानिंग प्रोसेस को भी रिक्लेम करने वाली बात हो गई है जी। तो कैसे देख रहे हैं, कैसा रिस्पांस है? और एक बात जो मैं शलाका सबसे पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो एक्सटेंशन नहीं होती है, जो दिख रहा है कि 1 महीना शायद इसके बाद ना बढ़ाएंगे, तो क्या कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव मतलब प्लान है जिसमें और ग्रुप्स को साथ मिलाकर, यू नो, कि देखो ये होना चाहिए भाई, ये ऑल्टरनेट मास्टर प्लान। हम हालांकि बहुत कम स्कोप है, मैंने दोनों से भी बात की और भी प्लानर से बात की कि इतना जल्दी नहीं होता, वो 4 साल है, तो कम से कम हमें
चार महीने तो चाहिए अगर ये करना है, और फिर रिसोर्सेज की भी कमी है, और क्योंकि बेसलाइन डाटा हम कहाँ से उठाएंगे, मतलब ये भी सब क्वेश्चन मार्क है मेरा इसमें। टिकेंद्र जी, जब हम बात करते थे ना कि डीडीए से भी डिमांड करते थे कि भागीदारी होनी चाहिए, लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो डीडीए के थोड़े अफसर लोग सब जिस हिसाब से रेस्पॉन्स देते थे, अरे लोग क्या रेस्पॉन्स करेंगे, लोग क्या इस पे बात करेंगे। पर मुझे लगता है कि अगर दिल्ली को 2041 में अच्छा शहर बनना है और अच्छा शहर बनने में एक, एक, एक दिशा देनी है, तो मुझे लगता है इसमें दिल्ली वालों का योगदान है। और एक मैसेज जो मैं यहाँ इस सभी के थ्रू देना चाहूंगा, और डीडीए के लोग और जो भी अफसर लोग और जो भी इसको सुन रहे हैं उनको देना चाहूंगा, दिल्ली वालों को कम मत आंकिए। आई थिंक पीपल हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड पोटेंशियल, और अगर सही में मौका और सपोर्ट मिले और सरकार एक्चुअली में उनको रीच आउट करे, तो इस प्लानिंग प्रोसेस में इतनी भागीदारी दिल्ली के लोग निभा सकते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इसमें इसका डेवलपमेंट हो और दिल्ली शहर अच्छा बने। तो चार महीने तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, पर हमारे अभी कम्युनिटी इंटरेक्शंस में जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करें, समझाएं, वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स आ रहा है, और लोग कह रहे हैं कि भाई इसके बारे में हमको पहले क्यों नहीं बताया गया। तो वो जो गलती है कि टीचर अगर बच्चे को कोस रहे हैं कि तुम्हारे नंबर कम आए हैं, पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि टीचर ने कितना रीच आउट किया, तो डीडीए सरकार ने लोगों तक कितना रीच आउट किया, उनको कितना एनेबल किया कि सही ढंग से पार्टिसिपेट करें। आखिरी चीज कि हम कहते हैं ना वर्ल्ड क्लास एग्जाम्पल्स हांगकॉन्ग, सिंगापुर, और वहां पे कहते हैं कि हमारे शहर भी वैसे होने चाहिए, तो वहां के शहर वहां कैसे बनते हैं, वो ये है कि वहां पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एक फंडामेंटल फाउंडेशन है सिटी प्लानिंग का, जो हमारे शहर में नहीं है। और अगर इसको रिक्लेम करना होगा तो लोगों को प्लानिंग में एंगेज करना पड़ेगा, और लोग करेंगे, और हमारी कोशिश भी होगी, मैं भी दिल्ली की तरफ से और दूसरे साथी संगठनों की तरफ से, कि लोगों के साथ इसमें एंगेज करें ताकि दिल्ली एक अच्छा शहर बन पाए। तो आई थिंक ये मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स। बहुत बढ़िया शलाका, आप जी इसी में जोड़ते हुए आगे, हम लोग बहुत टाइम से लोगों के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कैसे खुद के प्लान्स बन सकते हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, लोग इतने अच्छे और इतने डिटेल्ड अपने मैप्स लेके आए हैं कि हमको ये चाहिए, इसमें ये चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे शहर का लोकल एरिया प्लान, जो मैं अभी थोड़े टाइम पहले भी उठा रही थी, कि वो बनने शुरू हुए। लास्ट मास्टर प्लान के अभी तक लोकल एरिया प्लान्स बाहर नहीं आए हैं। तो और इसमें मास्टर प्लान में से बहुत सारी चीजें, नाइट शेल्टर की ले लीजिए, जिसमें बोला है कि इसको तो हम लोकल एरिया प्लान में देखेंगे, तो लोकल एरिया प्लान कब आएगा वो बहुत जरूरी है अगर हमको और डेप्थ में जाना है मास्टर प्लान की। दूसरा, आई थिंक कम्युनिटीज इस टाइम पे, जितना भी हमारे पास टाइम है, एक महीने से भी कम का टाइम है, तो लोगों के साथ बात करिए, उनको पहुंचाइए ये बात कि मास्टर प्लान में भागीदारी बहुत जरूरी है, पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, हिंदी में भी उपलब्ध है, लैंड यूज मैप पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ डॉक्यूमेंट पढ़ के काम नहीं चलेगा, मैप उसको बहुत डिफिकल्ट है मुझे पता है, पर हो सके तो लोगों का सहयोग मांगिए, एनजीओ का सहयोग मांगिए और मैप को पढ़ने की कोशिश कीजिए। मुझे याद आ रहा है केरला के डिजास्टर मैनेजमेंट हेड के साथ मेरी डिस्कशन थी, तो वहाँ ये मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से मैपिंग होना ये बड़ा एक एसेंशियल एलिमेंट है उनके पूरा प्लानिंग प्रोसेस। और वो बता रहे थे कि जैसा आपने बताया अरविंद और शलाका के अनुभव आपके लोगों के कैसे, वहाँ 27 लेयर्स इन अ मैप, अगेन रिपीट, 27 लेयर्स इन अ मैप वर डन बाय लोकल कम्युनिटीज, डिफरेंट पानी कहाँ है, फॉरेस्ट कहाँ है, तमाम चीज़ें की जो डिफरेंट लेयर्स है, ये पूरे कॉन्टूर सिर्फ लोकल। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मान लीजिए कुछ और नहीं होगा, अगर हम ये भी कर पाए कि एक छोटा, जैसे आपने वो बस्ती की जो बात कही अभी, अगर उसका भी हम एक ऑल्टरनेट प्लान मैप बताने, हम बोलेंगे भाई देखो ये ऐसा होता है, आपको मतलब कितना करोड़ बताया था आपने जो खर्च किया अभी, 24 करोड़ के बिना अगर आप भागीदारी करेंगे तो ये लोग इस तरह से बना सकते हैं और वो ज़्यादा इंक्लूसिव होंगे, दे विल ओन इट। तो अगर मुझे लगता है कि उस दिशा में अगर हम मैक्रो लेवल पे इस तरह से ना कर पाएँ, बिकॉज दैट्स अ सीरियस चैलेंज, लेकिन जहाँ पर हमारे पास काम है, अगर हम वो डिफरेंट लेयर्स को बिल्ड करते हुए बना पाएंगे, आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू शो केस कि देखो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऑल्टरनेट। ठीक है जी, मैं बल्कि बताना चाहूंगा कि गुलशन चौक एक बस्ती है उसी पॉकेट में बजीत नगर, और वो ऐसा प्लान बना रहे हैं, वो अपना पीपल्स प्लान बना रहे हैं गुलशन चौक। वेरी नाइस, आई थिंक वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, फॉर मोर इंटरेक्शन, एंड लेट्स सी कैसे निकलता है।
थैंक यू, आई थिंक थैंक यू सो मच. और मतलब बेसिकली हम लोग ये सीरीज से जो एक काम करना चाह रहे हैं वो ये प्रोवोकेशन है कि लोगों में जा पाएं. और जैसा आपने कहा, लोगों को पता भी नहीं है. और जो ये पूरा प्रोसेस है, खासकर पोस्ट 90s का ये दौर भी ऐसा है कि आदमी की लड़ाई जिंदगी तक जीने तक ही बहुत बड़ी है. मतलब लाइवलीहुड ही इतना बड़ा हो गया है कि अपनी भविष्य को योजना बनाना, वो तो सिस्टम ने भी उसको एलिनेट किया है और वो वैसे भी उस प्रोसेस में बहुत ही एलिनेटेड है. तो ये रिक्लेम करने के लिए अगर हम थोड़ा सा भी ये कर पाएंगे, मतलब इतनी छोटी सी प्रोवोकेशन एज अ कैटलिस्ट, आई थिंक दैट्स द इंटेंशन ऑफ द ऑफ रनिंग दिस सीरीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू शलाका, अरविंद. थैंक यू. थैंक यू. Thank you.